नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइड को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सूचना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जातक को या जातिका को नौकरी करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, या अपना स्वतंत्र व्यापार करना चाहिए, या साझेदारी में करना चाहिए। यह सब जानकारी के लिए हम कर्क लग्न के जो जातक हैं और जातिका हैं, उनके लिए उदाहरण के लिए कुंडली में के द्वारा हम ये दर्शाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जातक को देखना चाहिए कि आप जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम बताएं कि जो भी कर्क लग्न के जातक होते हैं, वो चतुर होते हैं, वाचाल होते हैं, मात्र प्रेमी होते हैं, प्रायः व्यवसायों से जो भी करते हैं उसे लाभ प्राप्त करते हैं, जल से उत्पन्न वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं, नाविक होते हैं, प्राध्यापक, इतिहासविद होते हैं, इस तरह से जनरल ये लोग डॉक्टर होते हैं, नेता होते हैं, राज अधिकारी होते हैं। तो आप जो है इस के जो छोटी जानकारी है वो दी है कर्क लग्न के जातक के लिए। इसके बाद में हम देखें कि जब भी हमें कुंडली में जो भाव देखना रहता है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिए आप दूसरा भाव देखेंगे लग्न से। दूसरा भाव जैसे यहाँ दूसरा भाव है, ये छठा भाव है और दसम भाव है। 2, 6, 10 का देखने का है। इनके स्वामी को देखना है, जैसे यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे इनका स्वामी गुरु है, यहाँ पे मंगल है। इनके अगर युति अगर होती है दूसरे भाव में, ये दस छठे भाव और दसवें भाव में इन ग्रहों की युति होती है, या इनका कोई कोई भी ग्रह यहाँ पे बैठता है, बृहस्पति जैसा, जैसे सूर्य यहाँ बैठ जावे, ये मंगल यहाँ बैठे, मंगल यहाँ बैठ जाए, तो इस तरह से इनका जो एक दूसरे का प्रभाव पड़े इन भावों का, दूसरे छठे दसवें का, तो जातक नौकरी करता है। तो इसी तरह से अगर दूसरा सातवां और ग्यारहवां भाव है, दूसरा सातवां ग्यारह भाव, इनका अगर एक दूसरे से युति संबंध हो, मान लो सूर्य का और शनि का और शुक्र का कहीं पे भी इन भावों में युति हो, जैसे यहाँ पे सूर्य और शुक्र की युति है, इस तरह से सूर्य शुक्र की युति यहाँ दूसरे भाव में हो, सातवें भाव में हो या ग्यारहवें भाव में, तो ये जब जो भाव है इनके राशि परिवर्तन हो इनमें, या इनकी युति हो, या एक दूसरे के भाव में बैठ जाए, तो इस तरह के जब योग हो तो जातक व्यापार करता है और उन वस्तुओं का व्यापार करता है जो उन भाव से कनेक्टेड हैं, तो वो ज़्यादा सफल होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे और भी बाकी चीज़ें देखेंगे। ऐसा तीसरा भाव से हमारी जो इच्छा शक्ति रहती है, इच्छाएं रहती हैं, उसका शोक जो रहता है, हम शोकीन रहते हैं उसके हिसाब से देखते हैं, और यहाँ से भाग्य का सपोर्ट देखते हैं। इसके बाद में कर्म भाव है, उसका भी कॉम्बिनेशन 2, 6, 10 है। ऐसे ही अगर इनका संबंध इससे भी होता है, आपका 2, 7, 11 और 10 के स्वामी का भी होता है, तो उस तरह से भी आप संबंध देख सकते हैं। तो इस तरह से कर्क लग्न के जो जातक हैं वो हमने स्थिरता नहीं है कि चंद्रमा चंचल होता है, क्योंकि लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है, तो वो चंचल होता है, तो इनमें स्थिरता नहीं रहती है। तो इनके जो भी व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं। नौकरी करेंगे तो जॉब बदलते रहते हैं। इसके बावजूद हम बता सकते हैं कि ये लोग जज, वकील, जेलर, नौसेना आदि के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ये जल से जुड़ा हुआ काम रहता है, डेयरी फार्म है, लॉन्ड्री है, पालन, मछली पालन है, होटल है, व्यवसाय है, सिंचाई विभाग है, बागवानी है, आदि व्यवसाय इनको सफल और अच्छे होते हैं। तो इस तरह से अगर देखा है तो ये जनरल बताया हमने। इसके बाद में हम देखें कि अगर यहाँ कर्म के स्थान में मेष राशि है, तो इसके जो जन्म तो इसके जो साहसिक कार्य में सफलता आसानी से इनको प्राप्ति को, मंगल है ना साहस का कारक है, तो ये रक्षा विभाग में
पुलिस विभाग में, धातु से संबंधित कार्य में, राजनीति में, प्रशासन में और चिकित्सा सेवा में लाभकारी या अनुकूल परिणाम देते हैं। तो पत्रकारिता में भी इनका अच्छा योगदान रहता है। तो ये राशि अगर बलवान है आपका, एक मंगल बलवान है, तो आप इस तरह के कार्य कर सकते हैं। इस तरह से आप इनको जो इंटरेस्ट रहता है, जैसे यहाँ से एक तीसरा भाव में बुध की राशि है, तो इनको लिखने की, बुध के जो भी काम है उनको अच्छे लगते हैं, उसमें वो शौक रखते हैं। इनको पठन पाठन का शौक रहता है और लेखन का काम इनको पसंद होता है। ये डायरी वगैरह भी अपनी लिखते हैं। घर के जो कार्य हैं वो भी करते हैं, और सेवा भाव के जो कार्य हैं, नर्सिंग वगैरह के काम है, उनमें भी इनको अच्छा शौक रहता है। तो इस तरह से शौक देख लिया आपने, इनका शौक इस तरह रहता है। तो ये इसके कारण शिल्पकार बन सकते हैं, समीक्षक बन सकते हैं, लेखन की इनकी अच्छी पकड़ रहती है, आलोचक होते हैं, निरीक्षक होते हैं, पुलिसमैन, डॉक्टर, नर्स, अध्यापक, खाता लिखना आदि का जो काम पहले करते थे वैसा करके ये लोग करने में बहुत इनको, और इनको सेवा करने में विशेष सुख प्राप्त होता है। तो समाज कल्याण के क्षेत्र में इनका ये बहुत योगदान रहता है, और उनको ये सब प्राप्ति भी होती है। तो ये अपने रुचि के काम के भी ले सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में आप देखेंगे जो कर्क लग्न के व्यवसाय है, वो आपको हम छोटी सी और जानकारी देते हैं कि देखो, ये कर्म भाव का स्वामी तो हो गया मंगल, और आपका जो धन का मालिक है सूर्य, और आपका लाभ का मालिक है शुक्र। तो इनके जो कॉम्बिनेशन होते हैं, तो उसके कारण ये जो भी ग्रह होता है, शुक्र जो ग्रह है धन देने का कारक भी है, और ये सातवें भाव जो व्यापार करते हैं उसका कारक भी है। तो इस तरह से इनका अच्छा सा ये ग्रहों की युति वगैरह जब भी रहती है तो अच्छे फल प्रदान करते हैं। मंगल यदि आपका मंगल का प्रभाव होगा तो जातक प्रशासनिक क्षेत्र में काम करेगा और पुलिस में काम करेगा जैसा बताया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें योग कारक ग्रह बृहस्पति भाग्य का स्वामी भी है। तो अगर बृहस्पति आपका अच्छा यहाँ पे ज़्यादा योगदान दे रहा है, तो बृहस्पति राजनीति, सेना में उच्च पद तक ले जाता है, अध्ययन, अध्यापन, सलाहकार आदि का काम करवाता है, आर्थिक विभाग में काम करता है, कानून व धर्म में काम करता है, क्योंकि धर्म कानून यहाँ से देखते हैं। तो ये अगर बृहस्पति की स्थिति ऐसी रहे तो अच्छा काम करते हैं। ये जो व्यापार वगैरह भी करेंगे, जैसे व्यापार के काम ने बताया, संबंध है दूसरा भाव, सातवा भाव और ग्यारहवा भाव। अगर ये शुक्र हो गया, बृहस्पति और शनि है, तो शनि के कारण आप रसायन, भौतिकी, मशीनरी, कृषि, पशुपालन, तेल, डीजल, पेट्रोल, कोयला इत्यादि के जो काम है, इसमें आप अपना योगदान देके उसमें से लाभ कमा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। सूर्य जो है आपका है वो कला से संबंध रखता है, प्रशासन से संबंध रहता है, तो वहाँ से आप जो भी कार्य करेंगे, वो व्यापार करेंगे, उसका फायदा वहाँ से मिल सकता है आपको। इसके साथ में आप देखेंगे कि शुक्र जो ग्रह है, ये इनका मान लो संबंध यहाँ बन रहा है, तो कला, संगीत, चित्रकारी, नाट्य, कंप्यूटर, हस्तशिल्प, पर्यटन आदि से आप अपना व्यापार कर सकते हैं और उससे लाभ कमा सकते हैं। तो इन ग्रहों के जितनी आपको सूर्य, शुक्र और शनि, इनके कॉम्बिनेशन के जो काम है वो भी कर सकते हैं आप, और उसका व्यापार कर सकते हैं आप। तो व्यापार करने के लिए आपका सप्तम भाव बलवान होना चाहिए, शुक्र अच्छा होना चाहिए, तथा इनके एक दूसरे के राशि परिवर्तन हो, एक दूसरे की युति हो, तो आपका दूसरा, सातवां, ग्यारह भाव के कारण आप व्यापार कर सकते हैं। नौकरी जब भी करते हैं, जब हमारे का दूसरा, छठा और दसवां भाव प्रबल होता है, दसवां भाव प्रबल होता है और ये छठा भाव भी सेवा का है, नौकरी का है, तो ये छठा भाव बलवान होने से आप नौकरी करते हैं। तो जब भी आपका ये कॉम्बिनेशन होती, तो मंगल है, सूर्य है,
और गुरु हैं, तो ये इनके कॉम्बिनेशन से आप इस तरह के काम कर सकते हैं। नौकरी में भी आप प्रशासन में जा सकते हैं या पुलिस विभाग में जा सकते हैं। ये मंगल के कारण, सूर्य के कारण आप गवर्नमेंट में जाम कर सकते हैं। ये गुरु है तो गुरु के कारण आप प्राध्यापक आदि के इस तरह के गुरु के जो काम है वो कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं उस तरह की। तो इस तरह से आप अपने कुंडली में देख सकते हैं कि कौन से ग्रह क्या कर रहे हैं। तो ये जो दशम भाव को अगर बृहस्पति और गुरु और सूर्य प्रभावित करें तो आप अच्छी, मतलब जो भी ओहदा है अच्छे ओहदे पे जा सकते हैं, जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। इस तरह से आप कुंडली का विश्लेषण करके जान सकते हैं कि आप नौकरी करेंगे या आप व्यवसाय करेंगे। और इसके साथ साथ में अगर ये सप्तम भाव जो व्यवसायों के लिए हमने दूसरा सातवां और 11 भाव की बात की, अगर यहाँ पे अच्छा प्रभाव नहीं आ रहा है आपका, ये कमजोर हो रहा है या इस पे पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा है राहु केतु का, तो आपको अपना स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। जो भी व्यवसाय बताएं वो साझेदारी में नहीं करना चाहिए आपको। इस तरह से आपने जान लिया कि नौकरी के लिए क्या कौन से भाव है। फिर से बता दें, दूसरा भाव, छठा भाव और दसवा भाव, इनका ग्रहों का युति संबंध हो, जैसे बृहस्पति और सूर्य का संबंध यहाँ हो, या मंगल और बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, या ये युति यहाँ हो, तो नौकरी में आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। और व्यापार के लिए आपको देखना है कि आपका दूसरा भाव जो धन का भाव कहलाता है, ये व्यापार का भाव कहलाता है, ये आय का भाव कहलाता है। इनका जो भी युति संबंध कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो आपको अच्छा होता तो है। जो भी ग्रह बताए वो केंद्र में हो, स्वराशि में हो, जैसे मंगल अपने घर में हो, शुक्र अपने घर में हो तो स्वराशि के हो, शनि जैसे यहाँ अपने घर में है वो अच्छा है, मंगल अपने घर में हो, बृहस्पति यहाँ अपने घर में हो, मंगल यहाँ अपने घर में हो, तो जितने सौगरी हों, उच्च के हों, वक्री नहीं हो और पाप प्रभाव में नहीं हो, तो जातक को वो जो भी है नौकरी में अच्छे फल प्राप्त होंगे। अगर उनका कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है दूसरे छठे और दसवें भाव से और दूसरे सातवें और 11 भाव से बन रहा है, तो आपको व्यापार वगैरह में भी अच्छा फल प्राप्त होगा। तो इस तरह आप जान सकते हैं, जब जब भी इन ग्रहों की दशाएं अंतर दशाएं होगी उस टाइम में आपको अच्छा योग। इस तरह से आप कुंडली का हमने विश्लेषण किया है। वैसे ही आप D9 D10 कुंडली को भी देख सकते हैं। ये ग्रहों के कारक ग्रहों को भी देखना चाहिए। बृहस्पति इसका कारक है, यहाँ शनि कारक है, यहाँ शुक्र कारक है, यहाँ पे गुरु है, यहाँ पे आपका शनि बुध सूर्य गुरु इनके कारक हैं। तो इनके जो ग्रह भी हैं और कारक भी हैं, तो सबकी स्थिति जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपको नौकरी और व्यापार में, या स्वतंत्र व्यापार में अच्छा फल प्राप्त होगा। इस तरह आपने मेरा मेरा वीडियो देखा, आपने अगर आपको पसंद आया है तो कृपया कर मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप टेलीफोन से परामर्श चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9893234239। आप मात्र दक्षिणा दे के, मामूली दक्षिणा दे के टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।